रीवा में एक तांत्रिक ने झाड़ फूंक के नाम पर एक युवक के साथ मारपीट की। आरोप है कि तांत्रिक ने आदित्य शुक्ला नाम के युवक को कटार से मारा, इसके बाद उसके सिर को जमीन पर पटक दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। यह सब होता देख परिजन हतप्रभ हो गए। उनके द्वारा इसका विरोध करने के लिए जैसे ही मना किया जाने लगा, तो वहां मौजूद पंडा के सहयोगियों ने परिजनों के साथ भी धक्का मुक्की कर दी। आहत परिजनों द्वारा मामले की शिकायत करने जब लालगांव चौकी पहुंचे, तो वहां मौजूद थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, यहां तक कि आवेदन तक नहीं लिया। पीड़ित द्वारा जब कई बार निवेदन किया गया, तो थाना प्रभारी ने व्हाट्सएप पर कार्रवाई करने की बात कही। इस तरह से पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है जहां पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती हो। फिलहाल पुलिस की इस अमानवीयता से पीड़ित आहत और परेशान है। 11 तारीख को अपने बालक को हम बठवा के पास एक कमलेश प्रसाद तिवारी जी हैं, वो चौरा लगाते हैं, वहाँ पर झड़वाने के लिए ले गए थे बालक को। तो वहाँ पर हम लोगों को बाहर कर दिए और उसको अंदर लिए, और उसके बाद जो भी मतलब झाड़ फूँक करने लगे, इसके बाद उसको पकड़ के मतलब पटक दिए और 3-4-5 बार से लोहे कतार से हमला किए हैं। सर भी ज़मीन पर पटक दिए हैं, इससे चोट आई है ना। इसके बाद हम लोग देखे तो फिर भी बचाव के लिए दौड़े, तो मेरे भी चोट आई है सीने में, और मतलब अंदर से अंदरूनी चोट लगी हुई है, पूरी दर्द हो रहा है ना। और यहाँ पर एफ आई आर करवाने आए हैं लालगांव चौकी में, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी कल आए थे, तो आजकल कर रहे हैं। ये गढ़ थाना अंतर्गत चौकी लाल गांव में शिकायत एक प्राप्त हुई है, उसमें झाड़ फूंक के नाम पर मारपीट की गई, जिसमें संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है कि इसमें जो उसकी जो शिकायत है उसकी जांच करें, आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई करें, जो भी दोषी इसमें पाया जाए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके तारतम्य में जो टीमें मौके पर गई हुई है थाने की, वो